तुला राशि वालों, आज बुधवार का दिन है 30 अगस्त। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ है। सुख स्थान से चंद्रमा निकलकर पंचम भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति का घर, चंद्रमा का गोचर और आपके कर्म स्थान का स्वामी चंद्रमा का आज आपके लिए लाभ का अवसर बनाना पूर्णिमा तिथि है। भाग्यशाली आप हैं, पर आज भद्रा भी है। थोड़ा सोच समझ कर काम करेंगे, जीवन में ज्यादा लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। धनिष्ठा नक्षत्र का मंगल, जो आपके धन स्थान का स्वामी है, आज द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। जबकि सत्विशा नक्षत्र का राहु आज बृहस्पति के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है। वहीं लग्न के ऊपर केतु का गोचर और पंचम भाव में शनि का गोचर। कुंडली का कर्म स्थान सूर्य और बुध से प्रभावित है, जबकि आपकी कुंडली का लाभ स्थान शुक्र की दृष्टि है। यानी आज का दिन लाभ, सौभाग्य, धन, संपत्ति, सभी काम आपके सिद्ध होंगे। वनवांछित फल मिलेगा, सामर्थ्य आपका बढ़ेगा, आपकी जीवन में तरक्की, उन्नति और खुशखबरी की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका अच्छा है और आपके जीवन में लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। मंगल राहु का प्रभाव जब होता है तब आपके लिए तरक्की आरंभ हो जाती है। आज सुकर्मा योग 9:33 के बाद दे, यानी जीवन में शुभ संकेत की प्राप्ति हो रही है। आपके सभी काम सिद्ध होंगे, सामर्थ्य ऊर्जा आपकी जीवन में बढ़ेगा, साहस आत्मविश्वास जीवन में बड़ी सफलता और लाभ लेकर आएगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज का दिन आपके लिए लाभ, धन और भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बुधवार का दिन 30 अगस्त है। आज चंद्रमा शनि के घर से निकलकर बृहस्पति के घर में गोचर करेगा। सावन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। 10:58 के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगा। साथ ही साथ भद्रा भी लग जाएगा। आज भद्रा भी है, हर काम सोच समझ कर करना है। धनिष्ठा नक्षत्र रात 8:47 तक मंगल स्वामी होगा। उसके बाद सद्विशा नक्षत्र में राहु स्वामी रहेगा। आज का दिन आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छा दिन है, क्योंकि चंद्रमा जब बृहस्पति के घर में गोचर करता है तब आपकी जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है, तेज गति से तरक्की आरंभ हो जाती है, कुछ बड़ा करने का मन करता है और आपकी जीवन में कोई बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त हो जाती है, आपकी जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको मिल जाती है, बड़े बदलाव होने का संकेत दिखाई दे रहा है। आज भद्रा भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते समय कुछ बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को 10:58 पर आरंभ हो जाएगा, लेकिन इस दौरान भद्रा काल रहेगा, जिस वजह से 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का समय रात 9:02 के बाद आरंभ होगा, जो 31 अगस्त को सुबह 7:30 तक रहेगा। आप रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त को रात 9:02 से आरंभ करें और 31 अगस्त को सुबह 7:30 तक रक्षाबंधन मनाएं। ये समय शुभ है, ये समय
आपके लिए लाभकारी साबित होगा। भद्रा के समय किसी भी शुभ काम को करना अच्छा नहीं माना जाता। आज आपकी कुंडली में मंगल राहु का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया, शनि और बुध की दृष्टि है। आपके व्यक्तित्व को एक नई पहचान प्राप्त होगी। बड़ा लाभकारी दिन रहने वाला है। सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन भद्रा के कारण आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। थोड़े चतुराई से अपने काम को करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा, तभी धन लाभ का योग बनेगा। आज आप किसी से वाद विवाद ना करें। किसी भी विवादित मामलों से दूर रहें, नहीं तो आज भद्रा है, आपके जीवन में कष्ट आरंभ हो जाएगा, आपके जीवन में समस्या आरंभ हो जाएगी। अपने जीवन में सुख, संपत्ति, सौभाग्य के लिए, अपने जीवन में तरक्की उन्नति के लिए मेहनत से काम करें, भाग्य आपका साथ देगा, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मन पसंद काम आपके पूरे होंगे, मनचाही काम आपके पूरे होंगे। ये समय हर तरह से आपके लिए लाभकारी है। पारिवारिक जीवन आपका सुखद होगा, संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और संतान की तरक्की भी आप देखेंगे, परिवार में खुशियों का माहौल होगा। ये समय आपके लिए लाभकारी है। शासन सत्ता का सहयोग भी मिलेगा, आपकी स्थिति भी अच्छी होगी, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। अगर आप कोई अच्छा नौकरी चाहते हैं तो आप मेहनत करें, आपको अवश्य अच्छी नौकरी मिल सकती है। धन भी आप ज़्यादा कमाएंगे, लाभ भी आपके जीवन में होगा। ये जो समय है भाग्योदय का योग बना रहा है, आपके लिए बड़ा लाभकारी दिन है, क्योंकि भाग्य का साथ है, जीवन में बहुत तरक्की लेकर आता है, धन भी कमाएंगे, जीवन में सुख है, संपत्ति भी अर्जित करेंगे। आज ये हर काम में आप निपुण होंगे, सभी कार्य आपके सफल होंगे, सभी काम आपके सिद्ध होंगे, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य अच्छा है, ऊर्जा बढ़ेगा, लाभ का योग है, सुख समृद्धि भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होने वाला है। प्रथम चरण का स्वामी सूर्य है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है और चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। आज सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहा है, जिसके कारण आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, भाग्य बड़ा बलवान होता है, करियर आपका अच्छा होता है, जीवन की चिंताएं दूर हो जाती है, बेहतर लाभकारी योग बेहतर परिणाम लेकर आता है। आज जीवन की सभी बाधाओं को दूर करके आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, आप कर्मठ हैं, परिस्थिति आपकी जीवन की बदलेगी, बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। तृतीय चरण का शुक्र जीवन में सुख देता है, शुक्र से सुख बढ़ता है, शुक्र से भाग्य चमकता है, ऐश्वर्यपूर्ण आपका जीवन होता है, कामयाबी, सफलता, प्रभावशाली जीवन आपके लिए बड़ा शुभ होता है, जिसके प्रभाव से आप अपराजय बनते हैं, अद्भुत शक्ति आपकी स्थिति को बदलता है, खुशी आपकी जीवन में बढ़ती है, सुख आपको मिलता है। चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है, मंगल जो आपके साहस को बढ़ाता है, मंगल जो प्रभावशाली आपको बनाता है, मंगल जिसकी शक्ति से आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी दिन है। आज राहु काल 12:22 से 1:58 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 8 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:28, अमृतकाल 11:42 और विजय मुहूर्त 2:30 आपके लिए शुभ है।
यानी आज का दिन विजय प्राप्त करने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, सुख पाने का दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। रात 9:02 के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, लाभ और धन की प्राप्ति होगी। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।